एक काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। रोड एक्सीडेंट में होने वाले एक्सीडेंट और डेथ को कम करने के लिए 7500 करोड़ रुपए की एक स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट का समाधान करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी करने की तैयारी कर रहा है। स्टेट ऑफ नेशनल हाईवेज पर एक्सीडेंट संभावित एरियाज और ब्लैक स्पॉट को कम करने के लिए 7500 करोड़ रुपए की योजना को लागू करने का प्लान जल्द से जल्द किया जा रहा है। वैसे अभी तक हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नेशनल हाईवे पर लगभग 3750 ब्लैक स्पॉट की पहचान की है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी का कहना है कि गवर्नमेंट इस मुद्दे इस इशू को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हम जल्द से जल्द पूरे देश में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से 7500 करोड़ रुपए की स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि हमें जल्द ही इस प्लान के लिए कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाएगी और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद नेशनल हाईवे और स्टेट रोड पर एक्सीडेंट और ब्लैक स्पॉट को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। वैसे हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ गडकरी जी अल्टरनेट फ्यूल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हाल ही में जापान से उनकी हाइड्रोजन कार भी आ चुकी है। तो दोस्तों अब हमारी गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट को लेकर काफ़ी अच्छे डिसीजन ले रही है और इस स्कीम से इस प्लान से स्टेट में होने वाले हादसे एक्सीडेंट को रिड्यूस करने में 50% तक मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। टिल देन गुड बाय।